YouTube चैनल। तो भाई देखो, प्रोबेबिलिटी में बहुत बच्चों को बहुत सारे डाउट आ रहे थे, तो उसके लिए ये स्पेशल वीडियो बना दी जा रही है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। इसके अंदर अपन कुछ खास सवाल ले लेंगे प्रोबेबिलिटी के। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखो, पहले सवाल में क्या दे रखा है, ए और बी दोनों अ पेयर ऑफ डाइस थ्रो करते हैं टर्न बाय टर्न, ठीक है। सबसे पहले कौन थ्रो करता है, ए करता है, और कंडीशन क्या है कि जो बंदा पहले 9 लाएगा डाइस पे उसको प्राइस मिलेगा, ठीक है। तो अपने को प्रूव करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग द प्राइस कितनी हो, 9/17, ठीक है। तो चलो अपन चालू करते हैं। देखो, अपने को क्या चाहिए, दोनों डाइस पे दोनों सम कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो उसके इवेंट्स लिख लेते हैं अपन। ये चार इवेंट्स हो गए, तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/36, क्योंकि 4 तो अपने फेवरेबल इवेंट्स हैं और जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है वो 36 है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/9। ये 1/9 किसकी प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डाइस पे जब अपन ने थ्रो करा तो ये 9 आ जाए, ठीक है। अब अगर 9 नहीं आना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 8/9, ठीक है। अब देखो, ए ने स्टार्ट करा है ये सब, ठीक है। तो पहली चांस में सपोज करो उसने डाइस फेंका और 9 आ गया दोनों डाइस का सम, तो भाई आप एक ए प्राइस जीत जाएगा, ठीक है। तो आपको आगे करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन सपोज कि ए ने डाइस फेंका और 9 नहीं आया, तो भाई उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 8/9, ठीक है इधर। और अगर ऐसा हो गया तो आप चाहते हो कि बी का ना बी 9 ना लाए अपने दोनों डाइस पे, ठीक है। तो बी भी यही लाएगा और उसके बाद जस्ट जो ए की चांस आती है उस पे ए दोनों डाइस का सम 9 ले आएगा, या तो ये केस हो सकता है। अगर ऐसा भी नहीं हुआ और ए इसमें भी 9 सम नहीं ला पाया, तो भाई क्या बोलोगे कि बी वापिस से फेल हो जाए, ए तो फेल हो गया है, बी भी वापिस से फेल हो जाए, और उसके बाद फिर ए लिया है अपने दोनों डाइस पे जो सम होगा उस नंबर्स का, ठीक है। और ऐसा कंटिन्यू होते जाएगा। अब देखो, इस सीरीज को ठीक से लिखो इस तरह से, 1/9 को कॉमन ले लो, तो आपको ऐसी कुछ सीरीज मिलेगी, 1/9 इंटू 1+8/9 का स्क्वायर प्लस 8/9 की पावर 4। देखो ये ध्यान से देखोगे ना तो ये एक जीपी की सीरीज दिखेगी आपको, और जीपी की सीरीज भी किस टाइप की देखना, हाँ कॉमन रेशियो इसका 1 से छोटा है और ये इनफाइनाइट सीरीज बनेगी, ठीक है। अब जब भी कॉमन रेशियो 1 से छोटा रहता है और इनफाइनाइट सीरीज बनती है, तो सम ऑफ द जीपी की टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1-r, जहाँ पर ए क्या है, 1, और आर क्या है, 8/9 नहीं है, 8/9 का स्क्वायर है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप सम लिख सकते हो और इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी 9/17। अब देखो भाई, ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल था, ये जेई में भी आ सकता है, तो देख लेना आप। तो भाई अगले सवाल पे आते हैं। इसमें क्या दे रखा है, अ मैन इज नोन टू स्पीक टू 3 out of 4 times, ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6, ठीक है। तो देखते हैं अपन। देखो, डाइस आपने थ्रो करा और 6 आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, और 6 नहीं आया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/6। अब आपका जो इंसान है वो 3 out of 4 time सच बोल रहा है, ठीक है, और तो भाई झूठ कितने टाइम बोल रहा है, वो 1/4, ठीक है। अब देखो, अपन प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि कब कब वो 6 बोलेगा। पहला केस क्या होगा, या तो आपने डाइस फेंका, 6 आया और इंसान ने सच बोला कि हाँ भाई 6 है, या तो 6 नहीं आया, मतलब 1 से लेकर 5 तक कुछ भी आया और इंसान ने क्या बोला कि भाई 6 है, ठीक है। तो इस केस से डिनोमिनेटर देखो आप, कि पहली बात तो 6 आया और इंसान ने बोला सच है भाई 6 ही आया, और दूसरा केस क्या है, जब 6 नहीं आया, 5/6 है उसकी प्रॉबिलिटी, और इंसान ने बोला कि नहीं भाई 6 ही आया है, तो ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। लेकिन अपने फेवरेबल केसेस क्या है, जब एक्चुअल में 6 आया था तो ये वाला पोर्शन न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो इससे जो फाइनल हमारी रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा 3/8। तो चलो अब अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल में क्या दे रखा है कि एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसने इंश्योरेंस करा रखा है 3,000 स्कूटर ड्राइवर का, 5,000 कार ड्राइवर का और 7,000 ट्रक ड्राइवर का, ठीक है। अब इन सब के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है भाई, स्कूटर वालों की दे रखी है 0.04, कार की दे रखी है 0.05, और ट्रक वालों की दे रखी है 0.15, और बोल रखा है कि इनमें से कोई एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया। तो हमें पता लगाना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो कार ड्राइवर था, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं इधर, 3,000 मतलब ड्राइवर्स, प्लस 5,000 प्लस 7,000,
ठीक है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि इन लोगों में से आप किसी बंदे को उठाते हो और वो स्कूटर ड्राइवर होता है, 3000 डिवाइडेड बाय 3000 प्लस 5000 प्लस 7000, वो आप यहां से देख सकते हो, ठीक है। और सिमिलरली कार ड्राइवर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो, तो 5/15 होगी। और सिमिलरली हमने ट्रक ड्राइवर की भी होने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब नोट करना भाई, ये अपना एक्चुअल आंसर नहीं है, हमने सिर्फ ये निकाला है कि 15,000 लोगों में से जो टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स थे, उनमें से आपने किसी एक बंदे को उठाया तो वो स्कूटर ड्राइवर होगा, कार ड्राइवर होगा या ट्रक ड्राइवर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखो, स्कूटर ड्राइवर अगर एक्सीडेंट, स्कूटर ड्राइवर का अगर एक्सीडेंट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.04, और स्कूटर ड्राइवर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/15, ठीक है। सिमिलरली कार ड्राइवर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/15, और कार ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.05, ठीक है। सिमिलरली ट्रक ड्राइवर की, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कि एक्सीडेंट होगा वो क्या होगी, 3/15 इंटू 0.04 प्लस 5/15 इंटू 0.05 प्लस 7/15 इंटू 0.15। अब इनमें से कार ड्राइवर का एक्सीडेंट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/15 इंटू 0.05, ठीक है। अब देखो, एक्सीडेंट तो हो रहा है, ये हमें दे रखा है, तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 5/15 इंटू 0.05, ये कार ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, और डिवाइडेड बाय किसी भी ड्राइवर की एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, तो उससे हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, जो कि आएगा 25/142। तो चलो भाई, अगले सवाल देखते हैं हम, जिसके अंदर हम थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के भी बेसिक्स का यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी के सवाल को सॉल्व करने के लिए। अब इस सवाल में हमें दे क्या रखा है कि 3 बैग्स हैं और उसमें ये बैग 1, बैग 2 और बैग 3, उसमें नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स और नंबर ऑफ रेड बॉल्स हमें दे रखी है। अब नोट करना कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हर बैग में अलग अलग है। देखो, इस पहले बैग में कितनी बॉल्स है, 6, दूसरे बैग में कितनी है, 4, और तीसरे में कितनी है, 9। अब हमने क्या करा है, एक बैग को चूज करा है और उसमें से 2 बॉल निकाली है, ठीक है, और हमारा रिजल्ट क्या है, व्हाइट एंड रेड। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि वो जो बॉल निकाली है हमने दोनों, वो दोनों थर्ड बैग से निकाली है। तो चलो भाई, इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। अब आपके पास 3 बैग हैं, तो पहले बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3। दूसरे बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3। सिमिलरली तीसरे बैग को चूज करने की भी प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी है, 1/3। अब हमें इवेंट क्या दे रखा है कि एक व्हाइट बॉल और एक रेड बॉल को हमने निकाला है, ठीक है। अब पहले बैग की बात करते हैं हम, पहले बैग में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 6, तो 6 में से 2 बॉल हमने निकाल लिए, तो किस तरह से निकाल सकते हैं, 6C2 से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपने बोला है कि एक व्हाइट और एक रेड बॉल है, तो देखो भाई, व्हाइट बॉल वाला कॉलम में जाके देखो, एक ही व्हाइट बॉल है, तो एक व्हाइट बॉल में से एक व्हाइट निकाला हमने, अगर बैग 1 से निकाल रहे तो। और रेड कितने हैं अपने पास, 3 है, तो 3 में से एक रेड बॉल निकाला, तो उसकी उसके कॉम्बिनेशन कितने बजाएंगे, 3C1, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/5। अब देखो, ये 1/5 है क्या असल में, कि प्रोबेबिलिटी कि एक व्हाइट और एक रेड बॉल बैग 1 में से निकल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सिमिलरली हमने बैग 2 के लिए सेम चीज लिखी, 4 बॉल थे टोटल, 4C2 से हमने 2 बॉल निकाल लिए, और दो व्हाइट में से एक व्हाइट निकाल लिया, एक रेड में से एक रेड निकाल लिया, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, बैग 2 से एक व्हाइट और एक रेड निकालने की, 1/3। सिमिलरली बैग 3 में से हम ये सेम चीज लिख देंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/9। अब देखो, हमसे पूछ क्या रखा था कि व्हाइट और रेड तो आ गए, लेकिन हमें ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो 3 से ही निकाला हुआ। तो देखो, व्हाइट और रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लेते हैं। व्हाइट और रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि भाई, पहले बैग में घुसे हमने और व्हाइट और रेड निकाल ली, दूसरे बैग में गए और व्हाइट और रेड निकाल ली, तीसरे बैग में गए और व्हाइट और रेड निकाल ली। अब प्रोबेबिलिटी की थर्ड बैग से ये कैसे निकलेगा, ये जो अपन ने टोटल निकाला है ना, व्हाइट और रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी, इसको डिनोमिनेटर में लेंगे और न्यूमिनेटर में हम ले लेंगे भाई प्रोबेबिलिटी की वो थर्ड बैग से ही है, ठीक है। तो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि थर्ड बैग से रेड और व्हाइट निकला है, ठीक। तो ये सब हमने निकाल रखा है, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 3, ये वाला ऊपर वाला न्यूमरेटर हमने इधर से निकाल रखा है, तो वो यहाँ पुट कर देना आप, ठीक है। अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 3 भी इधर लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि आप बैग में घुस भी तो रहे हो, तो बैग में घुसने की भी प्रोबेबिलिटी को हमने कंसिडर करना है इधर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कि आप बैग में घुसे और प्रोबेबिलिटी कि आपने बैग में से वो इवेंट करा या रेड और व्हाइट बॉल निकाल ली, ठीक है।
और सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी यही होगा, ठीक है। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 5/17। तो भाई उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब देखो इस लेक्चर में हमने तीन अलग अलग कैटेगरी के सवाल ले रखे हैं। बेस थ्योरम का भी एक सवाल लिया था, एक ये सवाल ले रखा है हमने जिसके अंदर हमने पीएनसी का यूज़ करा थोड़ा सा, और एक सवाल हमने पहले लिया था जिसके अंदर हमने जीपी का भी यूज़ करा था। तो देखो ये तीनों वेरिएशन आपके एग्ज़ाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको ठीक से समझ लेना। और सॉल्यूशन तो आपको आपके पास है ही इन सब क्वेश्चन के, तो अच्छे से तैयारी करिए अपनी एग्ज़ाम की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।